नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है 3D हेल्थ केयर एंड हैप्पीनेस कार्यक्रम में। दोस्तों, हम पिछले कई एपिसोड्स में बात करते आ रहे हैं शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं का। इसके अंदर जो सिस्टम है, ये इतनी खूबसूरत जो मशीन है, इस मशीन को किस तरह से हम बेहतर ढंग से चलाएं, उसको जानने का अलग अलग तरह से प्रयास करें 3D हेल्थ केयर के माध्यम से। और 3D हेल्थ केयर के जो नियोजक हैं, संयोजक हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को वर्षों मेहनत और रिसर्च के बाद तैयार किया है, वह हमारे बीच में आज फिर उपस्थित हैं। डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी, जो जाने माने हृदय विशेषज्ञ हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं और 3D हेल्थ केयर के कंसेप्ट पर आज थोड़ी बात करना चाहेंगे कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। 3D हेल्थ केयर एक्चुअली किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसका सिद्धांत क्या है, किस तरह से ये विभिन्न रोगों को निवारण देता है, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जैसे कि हम इस पे थोड़ा पहले चर्चा कर चुके हैं जी, कि 3D हेल्थ केयर या 3D हेल्थ एंड हैप्पीनेस जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो सिद्धांत है, एक इंसान के, एक ह्यूमन बींग के तीनों एस्पेक्ट्स को एड्रेस करता है। जैसे एक इंसान ह्यूमन बींग है ना, तो उसमें बींग भी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो बींग है, बींग, फिर ह्यूमन बॉडी है जी, फिर ये ह्यूमन बॉडी है और इसको कनेक्ट करने वाला मन है। बींग और बॉडी को कनेक्ट करने, बींग और बॉडी कनेक्ट करने वाला मन। इससे मुझे आपको कोई चीज देनी है आपको जी, तो मैं हाथ से दूंगा ना आपको, आप हाथ से लेंगे, जाहिर है। इसी तरह से बॉडी को कुछ भी एनर्जी देनी है, बींग से भावार्थ है आत्मा, आत्मा से हाँ जी, अगर वो एनर्जी कुछ भी अगर बॉडी को देनी है तो वो जो है मन के माध्यम से, मन माना विचारों के माध्यम से देगी, भावनाओं के माध्यम से देगी, वृत्ति के माध्यम से देगी, स्मृतियों के माध्यम से देगी, जैसे इंग्लिश में टीम भी कहते हैं। ओके, तो पहला जो इसका सिद्धांत वो है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका बेसिक ये कॉन्सेप्ट है कि हम अपने पेशेंट्स को या एक इंसान को, कोई भी, चाहे वो बीमार नहीं आज जी, क्योंकि हमारा प्रिवेंशन पे भी यूं गए, आजकल कोई बीमारी से मुक्त भी नहीं है, मुक्त भी नहीं है। तो हमें मतलब जिसको भी एक इंसान को हम एम्पावर करें जी, कि वो समझे कि मैं अपनी हेल्थ के लिए या बीमारी के लिए खुद जिम्मेवार हूँ। पहली खुद की जिम्मेवारी, हमें ये एहसास हो कि भाई हाँ, ये जो बीमार हुआ मैं मेरे खुद ही वजह हूँ, नहीं तो आमतौर पे दूसरों पे लोग डालते हैं बातों को। यस, तो यहाँ हेल्दी शब्द बना ही दो शब्दों से है, हील प्लस डाई जी, दैट मीन्स हील डाई सेल्फ, अर्थात हील योर सेल्फ, अर्थात सारे विश्व में एक ही व्यक्ति जो आपको हील कर सकता है वो स्वयं आप है, आप ही हैं, कोई और व्यक्ति आपको हील नहीं कर सकता जी, डॉक्टर भी आपको हील नहीं कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, वो आपको हील नहीं कर सकते, मदद कर सकते हैं। इवन भगवान भी, गॉड, सो कॉल्ड गॉड, अल्लाह या वाहेगुरु, आपको हील नहीं कर सकते, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, इंसान और भगवान में क्या फर्क है, हमने पहले किसी की मदद की है तो हमारी मदद कर देते हैं जी, एक बार मदद की तो हमें एक बार मदद कर देंगे, सही है। किंतु भगवान का ये है कि भगवान और इंसान में फर्क है, हम एक कदम चलते हैं तो भगवान हमें 100 गुना मदद करता है, ये फर्क है। पर हीलिंग मुझे करनी, पहला स्टेप मेरा होगा, राइट। हीलिंग से क्या तात्पर्य है, हीलिंग माना मुझे सपोज कोई बीमारी है, मानी हार्ट की बीमारी, मेरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई, या मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज है, या मुझे कोई बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, राइट, या मेरे पेट पेट खराब है, या मुझे दमे की बीमारी जी, मुझे माइग्रेन है। अभी किसने पैदा की, मेरे विचारों से पैदा हुई, बिल्कुल, मैंने नेगेटिव विचार किए, नेगेटिव थिंकिंग की, भले जीन्स माता पिता से मिले थे पर जीन मैनिफेस्ट कैसे हुए, मेरे अपने विचारों से वो मैनिफेस्ट हुए, और फिर जो है वो बीमारी, गलत खान पान, मैंने गलत खान पान खाया, बदपरहेजी की जी, राइट, जो भी उसके नियम थे मैंने ठीक फॉलो नहीं किए, शरीर के नियम, तो इस कारण से बीमारी पैदा हुई। सही बात है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, हम अब सबसे पहली बात ये एम्पावर जो करते हैं, हम लोग अपने ह्यूमन बींग्स को एम्पावर करना होता है, क्लियरली समझाना होता है अपने आप को, हमारे सभी दर्शक जो देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि कोई बीमारी भी अगर आपको है मन की चाहे तन की, उसकी हीलिंग के लिए, उसे ठीक करने के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। ये हेल्दी शब्द का मतलब ये है, हील दाई सेल्फ, हील योर सेल्फ, आप ही इस पूरे प्लेनेट पे, उस पूरी धरती पर एक ही व्यक्ति है जो आपको हील कर सकता है, ठीक कर सकता है, वो स्वयं आप है। डॉक्टर आपको गाइड करेंगे, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार आपकी मदद करेंगे, और भगवान आपकी, आपके 100 गुना मदद करेंगे, लेकिन आपको खुद ही खुद को मतलब ये पहले, आप ये ना सोच लें कि डॉक्टर ठीक कर देगा मुझे, या मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे मुझे ठीक कर देंगे, नहीं, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता है। आपको अपने हाथ में अपनी बागडोर लेनी है, आपका स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में है, राइट, आपके अपने हाथ में,
आपकी इच्छा शक्ति पहले चाहिए। अच्छा, ये सबसे पहले ठीक होना है और मुझे ठीक होना है, क्या क्या ध्यान, विल पावर अंदर से जागृत करनी है जी, और फिर डॉक्टर जैसे गाइड करें उसको फॉलो करना है। तो पहला तो ये सिद्धांत है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेप है या इसका नेक्स्ट जो सिद्धांत है उसका एस्पेक्ट है वो है सेल्फ अवेयरनेस जी। सेल्फ अवेयरनेस से इसका अर्थ हमारा ये है कि हम खुद को जानें कि हीलर कौन है और किसकी हीलिंग करनी, ठीक करने वाला कौन है, करने वाला और कौन ठीक है? होने होना वाला किसने कौन है? होना किसको है? हाँ। ये जानना बहुत जरूरी है। हमने कहा मेरी जिम्मेवारी है वो मैं कौन है। अगर हम हेल्दी शब्द को देखें हिंदी में उसका मीनिंग जो पर्यायवाची वो क्या है, स्वस्थ। स्वस्थ स्वस्थ माना हेल्दी। वो स्वस्थ को अगर हम संधि विच्छेद करें तो स्व दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अस्त, राइट। तो स्व जो शब्द है उसका मतलब होता है मैं। सही। एक बाहर वाला मैं होता है, एक अंदर वाला मैं होता है। अंदर वाला जो मैं है उसको मतलब ये जो स्व शब्द इनर सेल्फ के लिए कहा गया है जी, उस अंदर वाले मैं के लिए कहा गया है। और अस्थ मीन्स स्थित या कॉन्शियस। तो इनर सेल्फ को वैसे उसका जो लिटरल मीनिंग है वो सोल है, सोल S-O-U-L, राइट। सोल है ना। स्व को हिंदी में कहते हैं, स्व का मतलब आत्मा और अस्थ माना स्थित। सही। तो स्वस्थ का अर्थ है आत्मिक स्थिति में स्थित जी, राइट राइट। और स्वस्थ का मतलब दूसरी भाषा में अगर इंग्लिश में कहें तो स्वस्थ माना इनर सेल्फ कॉन्शियस, राइट, या हेल्दी माना इनर सेल्फ कॉन्शियस या सोल कॉन्शियस। अगर इसके कंट्रास्ट में बीमारी शब्द को लूं मैं, स्वस्थ माना उसका अपोजिट है बीमारी। बीमारी शब्द का उद्गम कहां से है जी? बीमारी शब्द जो बना है वो बी मीन्स भय, फियर, मारी माना कॉन्स्टेंसी ऑफ भय, बने रहना जी। अगर अंदर डर बना हुआ है जी तो वह बीमार है। डर तो भिन्न भिन्न तरह के रहते हैं। डर भिन्न भिन्न तरह के रहते हैं। अभी पीछे बात भी की ना हमने हार्मोनल सिस्टम में जब बात की थी हमने जी जी, कि हमारे अंदर एक हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है जी। हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल रूम दोनों ब्रेन्स का, राइट और लेफ्ट का, नीचे उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके पीछे पिनियल ग्लैंड, गले में थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल, गोनेड्स, ये मेल या फीमेल ग्लैंड्स, ये सात ग्लैंड्स हैं। और ऊपर मेरे मन में क्या है, अगर मेरे अगर कॉन्शियसनेस में मेरे दिल में अगर भय है, इनसिक्योरिटी है, तो मेरा पूरा ऑर्केस्ट्रा बिगड़ जाता है, राइट। हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा बिगड़ गया, सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, सारा हार्मोनी खत्म हो गई, सही सही, और सारी बीमारी शुरू हो गई। बीमारी का मतलब भय तो, बना रहे। हाँ, अगर भय बना हुआ तब बीमार है। तो बीमार है। भय कब बनेगा? जब आप आउटर सेल्फ में स्थित होंगे। जैसे बॉडी है हमारी, बॉडी हमारा आउटर सेल्फ है, देह बाहर है। सही। ह्यूमन का मतलब क्या है? ह्यूमन माना ह्यूमस। ह्यूमन शब्द ह्यूमस लैटिन वर्ड से आया और ह्यूमस का शाब्दिक अर्थ है सॉयल, SOIL। सॉयल माना मिट्टी, शरीर, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है। अगर आप बॉडी कॉन्शियस हो गए, देह में स्थित हो गए, तो आपको डर रहेगा जी, मैं पैदा हुआ मर जाए, ये मरने का डर होगा, बीमारी आने का डर होगा, बुढ़ापे का डर होगा, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी फील होगी। रोल कॉन्शियस होंगे तो भी, ये भी हमारा आउटर सेल्फ है, राइट। मटेरियल कॉन्शियस है तो भी हमारा आउटर सेल्फ है, और रिलीजन कॉन्शियस है तो भी आउटर सेल्फ है। रिलीजन भी हमारा बाहरी रूप है, सिख ईसाई जो बनते हैं, बच्चा तो जन्म से तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता नहीं, बिल्कुल। जिस घर में जन्म लिया उसको हिंदू बन गया, हिंदू घर में जन्म लिया तो परंपराओं का निर्वहन करता हुआ, उसी का अगर मुस्लिम ने लिया तो मुस्लिम धर्म का बच्चा हो गया। वो गलती से शिफ्ट हो जाए तो जन्म के समय तो उसी धर्म का कहलाएगा। दिखाते हुए फिल्मों में भी कई बार ये चीजें दिखाई हो जाता ना, ये भी हमारा आउटर सेल्फ है, राइट। और इन चारों में इनसिक्योरिटी है ना, अनस्टेबल है ना, बॉडी आज कैसी कल कैसी है, रोल आज कैसा है कल कैसा, मटेरियल आज कैसा है कल कैसा होगा, नहीं सही। और ऐसे रिलीजन की बात है, कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इससे फिर जो है इनसिक्योरिटी पैदा होती है, डर पैदा होता है, और उससे हमारे अंदर वाइसेस जन्म लेते हैं, उससे हमारा सारा हार्मोन ऑर्केस्ट्रा बिगड़ जाता है, जो हार्मोन्स का सिस्टम है ना पूरा, जो पूरा बिगड़ गया। सही बात। और बिगड़ गया तो सारी नेगेटिव टेंडेंसीज, नेगेटिव हार्मोन्स, नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो सब तरह की बीमारी आपके अंदर पैदा कर देते हैं, ऐसे केमिकल्स बन जाएंगे बॉडी के अंदर, बीमारी शुरू हो जाएगी। जीन्स जो बीमारी के दबे पड़े थे, सोए हुए थे, बीमारी के जीन्स माता पिता से मिले थे किंतु सोए हुए थे, वो जाग जाए, उनको सपोर्ट मिल जाएगा, फिर वो जाग जाएंगे। जैसे बीज अंकुरित होना शुरू हो गया, जो बीज वर्तमान में पड़ा हुआ था चुपचाप, उसको धरती मिल गई, धरती में कोई साज है जिसको जो रखा होता, किसी ने तार पे हाथ घुमा दिया, फिर आवाज निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है वो शोर, जीवन शोर बन जाता है। इसकी वजह अगर आप स्वस्थ, सोल कॉन्शियस, मैं आत्मा हूँ, अब आत्मा हूँ तो आत्मा तो स्टेबल है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, ना आत्मा मरती है, ना बूढ़ी होती है, ना बीमार होती है। गीता में जैसे बताया गया, जैसे आप पढ़ते हैं ना, अजर हमारे अविनाशी है, नयनम छिंदन्ति, सत्य है, सत्य है ना, ट्रूथ है ना,
सोल इज ट्रुथ, राइट? सोल इज ट्रुथ। तो अब जो है ये सत्य, सत्य को अगर आप सत्य में स्थित रहो तो क्या होगा? निर्भय, निर्भयता आएगी, शांति आएगी, डर खत्म हो जाएगा, प्यार आएगा, खुशी आएगी, है ना, कि मैं तो मरने वाला ही नहीं हूँ। देह बदली जाएगी, रोल बदलता रहेगा। ड्रामा में खेल है, खेल में आप एक्टर नहीं बनते हैं। आज कोई रोल प्ले कर रहे हैं, कल कोई रोल, कल पुलिस इंस्पेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, कल चोर का प्ले कर रहे हैं, कल डाकू का प्ले कर रहे हैं, कल एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं आपको, लेकिन ये पता रहता है कि आप ये हो नहीं। ये मेरा रोल है, रोल मैं रोल प्ले कर रहा हूं, आई एम सेपरेट फ्रॉम द रोल। यू डोंट गेट ऑक्यूपाइड बाय दैट रोल। सपोज मटेरियल जो मेरा, जो उसमें मैंने, मैं एक बहुत रिच मैन का रोल प्ले कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं रिच मैन का रोल प्ले कर रहा हूँ, बट ये मेरा नहीं है, उसमें फंसेगा नहीं, फंसेगा नहीं, सेम थिंग, राइट? अगर आप सोल बन करके, आत्मा बन के अपने सत्य में स्थित होकर हर काम करते हैं जी, तो आप स्वस्थ हैं। हील करने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा हील करना किसको है? मन को। हमारी जो मन है ना, मन को भी हील करने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा है, सोल है, ये अंदर वाला इनर सेल्फ है, अंदर वाला मैं है, वो मन को हील करता है। जो हमारे मन में नेगेटिव टेंडेंसीज है, नेगेटिव स्मृतियां, नेगेटिव संस्कार बन गए ना, क्रोध करने का संस्कार है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन, उदासी का संस्कार है, थोड़ी थोड़ी बात फील होती है, इसका संस्कार पड़ गया है जी। आपको हर बात में जल्दीबाजी रहती है, ये संस्कार पड़ गया है। थोड़ी थोड़ी बात चिंता करने की आदत पड़ गई है, राइट? जो बीमारी का रूप, फोबिया का रूप ले लिया उसने, सही बात है, एंजाइटी न्यूरोसिस हो गया, आपको डिप्रेशन हो गया है, कोई बात का ऑब्सेशन हो गया है, आप स्किजॉइड हो गए, हर बात में शक करने की आदत हो गई आपको, इसने ऐसा तो नहीं किया, उसने वैसा तो नहीं किया होगा, तो ये भी मेंटल, मानसिक बीमारी होगी ना। तो मन को ठीक करने का काम किसका है? हील कौन करेगा? आत्मा। आत्मा, क्योंकि आत्मा की नेचर क्या है, आत्मा का जो स्वभाव कैसा है, आत्मा की जो एनर्जी कौन सी है, आगे हम बात करेंगे इस पर गहराई से। शांति, प्यार, खुशी, आनंद। तो मन में जो, मन को हील, मन में जो नेगेटिव विचार भावनाएं आ गई, नेगेटिव स्मृतियां, उसको हील करने के लिए क्या शांति चाहिए, प्यार चाहिए। ये दवाई है आत्मा के, 7 तरह की दवाइयाँ हैं, वो हम आगे डिस्कस करें कैसे, कौन सी 7 मेडिसिन इंसान आत्मा के पास है जिससे वो मन के नेगेटिव विचारों को हील करती है। ठीक है, नेगेटिव स्मृतियों को, नेगेटिव वृत्तियों को, नेगेटिव भावनाओं को, नेगेटिव विचारों को हील करती है। डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा, खुशी आएगी, एंजाइटी खत्म हो जाएगी। तो मन को भी हील करने वाला कौन? आत्मा। आत्मा, दैट इनर सेल्फ बीइंग। और फिर बॉडी को हील करने वाला कौन? बॉडी को, बॉडी में 8 अंग है, वो भी आत्मा। आत्मा ही, क्योंकि आत्मा के पास वो एनर्जी थ्रू मन, थ्रू माइंड, माइंड के जरिए। ये मतलब ये हमें समझना है, हमारे दर्शकों को ये बात अच्छी समझनी है कि पहली बात है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपने हाथ में अपना बीड़ा लेना ठीक करने का, मुझे ठीक करना है। दूसरी बात सेल्फ अवेयरनेस, कि हील करने वाला कौन? मैं, अंदर वाला मैं, और ठीक होने वाला कौन? मन और शरीर। शरीर, मन और तन को ठीक करना है, मुझे करना है, मैं पहले तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मैं कौन, उसके बाद। और जैसे इवन मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर देना चाहूँ, इनक्यूरेबल, कि आज की जो बीमारियां हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जी, जिसे इंग्लिश में NCDs भी कहते हैं। 80% से अधिक बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। एक तो होती है कम्युनिकेबल डिजीजेज जी, जो कि मतलब एक दूसरे से फैलती हैं, कम्युनिकेट हो जाती हैं, जैसे इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी को किसी से लग सकता, किसी लग सकता है, जैसे हैजा है, मलेरिया है, ये जो TB है, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो एक दूसरे से हमें ट्रांसमिट हो जाते हैं। किंतु नॉन कम्युनिकेबल, जैसे ब्लड प्रेशर है, मुझे ब्लड प्रेशर है, आप मेरे साथ बैठ जाए तो आपको ब्लड प्रेशर ना हो जाएगा, या मेरे को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज मेरे साथ बैठने से तो नहीं होगी, ये कोई छूत की बीमारी, छूत की बीमारी। तो ये जैसे हार्ट की बीमारी, मेरी आर्टरी ब्लॉक है तो आप मेरे साथ बैठे तो आपकी आर्टरी बंद हो जाएगी, ये नॉन कम्युनिकेबल। कैंसर है मुझे, आपको कैंसर तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मुझे दमे की बीमारी, आपको दमा तो नहीं होगा। ये जो है सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, राइट पेट की बीमारियां हैं, जैसे पेट में अल्सर बन गया मेरे, पेट में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, अल्सर टिकोलाइटिस हो गया, मेरी रीढ़ की हड्डी खराब है, गर्दन की हड्डी खराब है, कमर की हड्डी खराब, ये खराब है, घुटने खराब हो गए, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। तो ये डिजीज को कहा जाता है इनक्योरेबल डिजीजेस, ओके, मतलब इनका कोई क्योर नहीं है, ठीक, ये एक बार हो गए तो सारी उम्र रहने वाली है। अच्छा, है ना, जैसे ब्लड प्रेशर है आपको, 30 साल से दवाई खा रहे हो तो ब्लड प्रेशर तो आज भी है ना, दवाई तो आज भी खा रहे हो, जब तक जियोगे तब तक दवाई खानी होगी, तब तक ब्लड प्रेशर के मरीज ही बनेंगे ना। डायबिटीज है तो डायबिटीज रहेगी आपको सारी उम्र, इसी तरह से आपको हार्ट की है, कैंसर है, जो हो गया वो हो गया, परमानेंट हो गया ना। तो इसका जो वर्ड है वो इनक्यूरेबल शब्द है, इसका मतलब वैसे लिटरल मीनिंग है इसका नॉट क्योरेबल, आपको रेगुलर सारी उम्र इसकी दवाई रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसका अगर एक हिडन मीनिंग है इसके अंदर जी, इनक्यूरेबल में, इनक्यूरेबल शब्द दो शब्दों से बना, इन प्लस क्योरेबल,
मतलब ये क्यूरेबल है अगर इन जाओ तो, अगर अंदर जाओ तो। राइट राइट, मतलब अंदर जाके अगर हीलर को ढूंढ लो, हील करने वाला तो कौन हो सकता है, तो वो हीलर इसको हील कर सकता है। राइट राइट, तो ऐसे तो हमारे पास 3D हेल्थ केयर में बहुत से आपके पास केसेस होंगे, जिसमें बहुत सारे केसेस है, वो भी हम मैंने हजारों आगे, जैसे हम आगे आगे केस हिस्ट्रीज लेंगे, इनको सक्सेस स्टोरीज आपके सामने अपने दर्शकों को बताएंगे, तो उसमें कैसे उनकी बीमारियां थी जो सालों साल, कि आपने तो रिसर्च किया है पूरा, पिछले 20 साल में जो हमने पाया है कि कैसे ब्लड प्रेशर के मरीज जो सालों से 20-20 25-30 साल से पेशेंट के थे, उनके ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, आज उनको दवाई नहीं लेनी पड़ रही, वो दवाई से मुक्ति पा चुके हैं। डायबिटीज के मरीज थे जो मुक्ति पा चुके हैं, हार्ट की बीमारी के पेशेंट थे वो ठीक हो चुके हैं, आज उनको हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, उनको एक भी गोली नहीं खानी पड़ती है। कई कैंसर के पेशेंट्स हैं जो ठीक हो गए हैं, ऐसे मतलब जिनको कई बीमारियों के दमा था, इनक्यूरेबल डिजीज भी इनमें जाके क्योर हुई है, दमा था, दमा ठीक हो गया, पेट की बीमारियां थी ठीक हो गई, हड्डियों की बीमारियां ठीक हो गई, आज वो बिल्कुल हेल्दी हो गए, पर जिन्होंने अंदर जाके क्योर किया है। बेसिकली जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपको इन अंदर इनसाइड सर्च करना पड़ेगा, अंदर जाना है, सेल्फ रियलाइजेशन में उतरना पड़ेगा, जिसको हील होना है और जिसने हील करना है उसको समझ लेना पड़ेगा। ये 3D हेल्थ केयर सिखाता है, हमारी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। तीसरा जो बात है जी, पहला सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा सेल्फ अवेयरनेस, तीसरा जो है वो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, इसको हम बहुआयामी अप्रोच कह सकते हैं। आज की जो अप्रोच है वो वन डायमेंशनल है जी, एक ही आयामी अप्रोच है, सीधा डॉक्टर जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है आपको ये बीमारी है, आपके टेस्ट लिख दिए, टेस्ट करा लो, एक्सरे कराओ, ये ब्लड टेस्ट कराइए, ये कराइए, ये कराइए, एंजियोग्राफी कराइए, है ना, आपका सीटी स्कैन कराइए, MRI कराइए, और ये बीमारी आपके अंदर है, वो बता देगा, बॉडी के अंदर बीमारी देख के बता देगा, और इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या इसकी दवाई खाइए, इस तरह से करिए, ये परहेज करिए। वन डायमेंशन मतलब सिर्फ बॉडी के बारे में आपको दवाई, सर्जरी या जो भी फिजियोथेरेपी करानी है, राइट, या कुछ खान पान का परहेज देगा, बॉडी के हिसाब से देगा, आपको ये नहीं कहेगा कि आप ऐसे मत करिए, मन के बारे कुछ नहीं बताएगा, आत्मा के बारे कुछ नहीं कहेगा, जड़ जो है इसकी मन में है, आत्मा में, जैसा आपने बताया, इन में जाके क्योर करें तो इनक्योरेबल भी इनक्योर हो सकता है, क्योंकि इसको साइकोसोमेटिक भी कहते हैं डिजीज को, जी साइकोसोमेटिक, साइकी मींस माइंड, सोमा मींस बॉडी, अर्थात पहले मन में आती है फिर बॉडी में आती है, तो मुझे हील करने के लिए मुझे क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, उस आत्मा के पास वो एनर्जी मेरे पास नहीं है हीलिंग, ना तो आज मेरे पास शांति है, ना तो मेरे पास प्यार है, ना तो खुशी है, ना तो आनंद है, मुझे ज्ञान भी नहीं है पूरा, मतलब मन के बारे, बॉडी के बारे पूरा ज्ञान भी नहीं, जानकारी भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, तो इसके लिए कैसे करें, तो टू हील थाइसेल्फ वन नीड सेल्फ एम्पावरमेंट। ओके, मुझे अपने आप को हील करने के लिए क्या चाहिए, सेल्फ एम्पावरमेंट, या हिंदी में गए तो स्व सशक्तिकरण, ठीक है, और वो कहाँ से आएगी, एम्पावरमेंट कहाँ से आएगी, एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम द ट्रूथ, शक्ति जो आती है वो हमेशा सत्य से आती है, और सत्य क्या है, सत्य की दो क्वालिटीज है, फर्स्ट तो वो एटर्नल है, ठीक, अविनाशी है, शाश्वत है, हमेशा ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है, सदा ही है, दूसरी बात वो अपरिवर्तनशील है, राइट, तो सत्य क्या है, एक इंसान का सत्य क्या है, उसका ट्रूथ क्या है, तो वो जानने की आवश्यकता है जी, तो वो सत्य मैं कैसे जानूं, राइट, वो जो है मुझे कहां से पता लगेगा, तो ये जो ट्रूथ का जो नॉलेज है वो कहां से आएगा, ट्रूथ गॉड से आता है, ओके, Because God is truth. इसलिए कहते हैं ईश्वर सत्य है, क्योंकि God is truth. God is ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर सत्य है, शिव ही सदा सत्य है, ऐसे ये भी आगे बढ़ता है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है, और शिव कैसे हमको पढ़ाता है, कैसे ये नॉलेज हमको कैसे देता है, तो इसके तीन तरीके हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग जी, पहले सूचना देता है, ठीक है, इन्फॉर्म करता है हमको, फिर हमें पढ़ाता है, एजुकेट करता है, और फिर इंडिविजुअली काउंसलिंग करता है जी, इसके बारे में पहले तो अपने बारे बताता है, परमात्मा स्वयं के बारे में, क्योंकि परमात्मा को जान नहीं सकता है, कितने परमात्मा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, परमात्मा के बारे में सही क्लियर नॉलेज किसी ने दिया नहीं है, तो परमात्मा के बारे में सही नॉलेज है वो स्वयं परमात्मा ही दे सकता है, जैसे अगर आप मेरे बारे जानना चाहो ना, जाने आप कहीं कहाँ क्या क्या आपने पढ़ा हो, किसने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, पर एक्यूरेट नॉलेज कौन देगा मेरे बारे में, मैं स्वयं ही दे सकता हूँ, सही बात, राइट, नहीं तो ऐसे ही परमात्मा सही नॉलेज दे सकता है अपने बारे में, और दूसरा आत्मा के बारे में नॉलेज, वो आत्मा के बारे में सही इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग,
वो परमात्मा ही दे सकता है। तो सुप्रीम सोल अपने बारे में, आत्मा के बारे, मन के बारे, मन क्या है, क्योंकि आज तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाया मन क्या है। राइट बात, आत्मा के बारे तो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो वो स्वयं परमात्मा ने हमें समझाया कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे करता हूँ, कैसे सृष्टि कंट्रोल करता हूँ, कैसे मेरा कार्य चलता है, फिर आत्मा क्या है, मन क्या है और बॉडी क्या है। ठीक बात है। वो तीनों का आपस में कनेक्शन क्या है, और हमारे अंदर घड़ी है यहाँ पर, उसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं हाइपोथैलेमस में, उसके कनेक्शन में क्या, कैसे इसको यूज करना है, इस एनर्जी को, आत्मा को मन के माध्यम से कैसे शरीर को हील करेगी, आत्मा कैसे अपनी सात एनर्जी जो आत्मा के पास है वो मन के माध्यम से कैसे उस टीम के थ्रू बॉडी की जो फिजिकल एनर्जी है उसको कैसे हील करेंगे, किस समय सोना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, उस एनर्जी को किस टाइम बेस्ट यूज कर सकते हैं, किस समय हमें मेडिटेशन करना चाहिए, किस समय प्लानिंग करनी चाहिए, किस समय हमें वॉक करनी चाहिए, किस समय नाश्ता करना चाहिए, घर या ऑफिस में काम करना किस समय करना चाहिए, लंच किस समय करना चाहिए, रेस्ट किस समय करना, डिनर किस समय करना चाहिए। तो सारे सारे एक्यूरेटली वो परमात्मा हमको नॉलेज देता है। और जब तीनों एनर्जी की हार्मनी हो जाती है, स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी, तीनों की हार्मनी होने से ही हम क्या बन सकते हैं, हम सदा स्वस्थ बन सकते हैं और सदा खुश रह सकते हैं। थ्री डायमेंशनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस ये है। राइट, कि थ्री डायमेंशनल, एक तो सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, और स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, तीनों की हार्मनी पैदा करके इनको तो हम हेल्दी और हैप्पी सदा रह सकते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य को और संपूर्ण सुखमय जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज बड़े ही सुंदर तरीके से हमने 3D हेल्थ केयर के वास्तविक कंसेप्ट को और इसके सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज की इस चर्चा से ये समझ में आता है कि ये 3D हेल्थ केयर कंसेप्ट जो है, ये बेसिकली आत्मा की अवेयरनेस के लिए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लेने लगते हैं तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर अभी शुरू हुआ है, इसके बारे में जो आज हमने जाना है, संभवतः अगले एपिसोड में हम कुछ और बात जानेंगे। तो आज के एपिसोड में यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।